नहीं समझते। अरे जिन कामदा नाथ के चरणों में हम जाकर के और फिर विचार करें कि यहाँ धूल है, यहाँ ना बैठे। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एंड एक का ब्लॉग। आ गए हैं फिर से कुछ नए वीडियो के साथ और आई होप आपको वीडियो पसंद सारी आते होंगे, क्योंकि ये लास्ट वाला सीन ना सुबह सुबह मैंने मॉर्निंग में आपसे बोल दिया वो, इसलिए क्योंकि कुछ इंटरेस्टिंग सी बातें होती रहना आप लोगों के बीच में, वो ही अच्छे देते हैं। तो आज ना भाई पता 21 तारीख से मेरे पास तो ऑलरेडी निमंत्रण आ चुका था, जो अपने दीपक शेठ जी है ना, तो वहाँ पर ना जो अभी मैच हुआ था ना फिलहाल में बड़ी फील्ड के सामने, तो बड़ी फील्ड पर सॉरी तो वहाँ पर ना भाई ने ना शंकर जी के बहुत प्यारी मंदिर बनवा के रखा है, तो वहाँ पे ना अभी क्लास तक कल ही निकली थी कल परसों, तो वहाँ पे आज भंडारा है भाई बहुत ही प्यारा, तो वहाँ पे शाम को हम लोग जाएंगे मस्त भंडारे का प्रसाद पाएंगे, आप लोगों को भी खिलाएंगे और मस्त शिव शंभू भोलेनाथ सरकार के दर्शन कराएंगे और सब लोग आनंद लेना उस चीज़ का और बहुत मज़ा करेंगे। ठीक है ना, मिलते हैं, बाय बाय। घर से भाई निकलो ना तो बिना चश्मा के तो निकला ही नहीं जाता है, क्योंकि सीन भी अच्छे नहीं देखते हैं ना, चश्मे उसमें लगा लो ना तो मस्त मज़ा आता है। स्कूटी लेके आए हैं भाई, वो कहाँ सुकून की तलाश में, क्योंकि ना बहुत दिनों से टेंशन थी भाई माइंड पे, और ये पता नहीं कौन से पक्षी की आवाज़ है, पता नहीं भाई कौन सी है, बट अब चलते हैं थोड़ा ऊपर, यहाँ एक मंदिर वो आपको ऊपर चल के दिखाएंगे। ये है अभी तो बंद है मंदिर, क्योंकि जल्दी आए ना हम लोग इसके लिए, अंदर है महाकाल सरकार, लॉक है अभी तो, पंडित जी आए भी नहीं हैं, ये बैठे हैं अपने शिव शंभू। और बाकी भाई यहाँ ना आने का जो मज़ा है ना भाई, जब भी कोई टेंशन वेंसन रहती है कुछ भी माइंड ऑफ रहता है, तो मैं तो मस्त चला जाता हूँ उनकी शरण में महाकाल के, और चारों साइड झाड़ियाँ और जंगल भाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन ना गर्मी की वजह से ना पूरे पेड़ ख़त्म हो गए, मतलब ख़त्म पेड़ तो ख़त्म नहीं हुए बट उसमें जो पत्तियाँ हैं ना वो सारी ख़त्म होगी, और जो भी बची हैं वो और गर्मियों में ख़त्म हो जाएगी। अज्जू और दद्दे भाई दोनों लोग आए हैं उसी साइड से अपना टारगेट फिक्स करके, तो वो भी उनको भी लेके आया था मैं, मैंने सोचा चलो सब लोग यहीं बैठेंगे मस्त और बस शांति की अनुभूति प्राप्त करेंगे भाई, और यही फील करेंगे। यहाँ भाई जो आनंद है ना, एक चेहरे पे एक रौनक अलग आ जाती है भाई, क्योंकि टेंशन से दूर, मोह माया से दूर, बस भोलेनाथ की शरण में मस्त आनंद के साथ बैठते हैं हम लोग। बाल सरकार ने भी सुन ली है, पंडित जी भी आ गए हैं पूजा पाठ करने के, ये बैठे हैं महाकाल सरकार, मतलब यही होता है दिल से दिल का मेल, मतलब हम लोग आ ही थे सुकून के लिए, लेकिन महादेव ने दर्शन भी दे दिया है, पंडित जी भी। साइड भी भाई बहुत ज़्यादा मतलब जंगल है, लेकिन पत्ते सारे गिर गए हैं, इस साइड पूरा खंडर ही खंडर पड़ा है, लेकिन सुकून ही सुकून है चारों साइड, ये बात तो है, बस उसी के लिए तो हम लोग आए हैं। निकल आए हैं हम और अच्छी भाई दत्ते लोग वहाँ से, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था वहाँ पे बैठे बैठे हम लोगों को, और ये लोग ना पता नहीं कमीना बना देते रहते हैं बालक लोग, लेकिन अब क्या बताएं आप लोगों को, बाकी जो बोलना था वो तो आप लोग समझ गए, क्या बोल सकते हैं हम इनके लिए। गए थे मंदिर के पास तो यहाँ पे भंडारा भी चालू हो गया है, अभी काफी कमी भी है, शाम को आएंगे हम लोग। आ गया रेडी शेडी होके अज्जू भाई के घर पे, अज्जू भाई को लेके चलना है भंडारे में, क्योंकि दोपहर में तो हम लोग गए थे तो वहाँ पे तो कुछ हो नहीं पाया था, मतलब चालू तो खाना हो गया था बट हम लोगों ने नहीं खाया, शाम टाइम ही खाएंगे खाना, अज्जू भाई भी यही मिल गए हैं, अब थोड़ी टाइम से निकल दें कि मम्मी लोग आ जाए, मम डैड लोग, क्योंकि वो खाना खाने को गए हैं, वो आ जाएंगे उसके बाद हम लोग जाएंगे। ओके भाई, आ गए हैं अंदर जहाँ महादेव का प्रसाद सब लोग लिए जा रहे हैं, और अज्जू भाई ने भी ले लिया इनके भी, और हर हर महादेव, जय शिव शंभू, सब लोग नारा लगा रहे हैं, और भोलेनाथ का सब लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शहर के और मतलब गांव के सारे लोग यहाँ आए हैं, और व्यवस्था भी बहुत अच्छी बनाई है, जो लोग भी आते हैं सब लोगों को। ये है बहुत प्यारा मंदिर जहाँ भोलेनाथ शिव शंभू विराजमान है, कितना सुंदर प्रतिमा और मंदिर बनाया हुआ है, और मेन गेट पे खड़े हैं तो यहीं से लोगों का आना जाना भी हो रहा है, और हम लोगों का भी प्रसाद हम लोगों ने ले लिया है, और हम लोग भी निकलते हैं अब, जय श्री। आ गए हम लोग बाहर और निकलते हैं घर के लिए, क्यों खाना आना और बाबा का प्रसाद लिया ले ली मतलब ले ही लिया है हम लोगों ने, बस और बाहर सब लोग आ गए हैं, निकलते हैं घर के लिए। आ गए भाई लोग घर और मस्त आज खाना पीना खाया, बहुत ही अच्छा लगा प्रसाद पाके बाबा महादेव सरकार का, और कुछ दिन
और बाद ले चलेंगे आप लोगों को मंदिर के दर्शन सिस्टमेटिक तरीके से करवाएंगे, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा गर्दी थी ना भाई, इस वजह से कुछ पॉसिबल नहीं हो पाया, क्योंकि मतलब पूरा गांव के ना एक एक लोग हो जो मतलब पर्सनल लोग हैं, मतलब व्यवहार के ज़्यादा, तो उनके यहाँ चूल करने होता, मतलब समस्त परिवार का भाई। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल कुछ नए वीडियो के साथ। आई होप आपको वीडियो पसंद आए, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, भाई का सपोर्ट कीजिए। जय जय श्री श्याम, बाय बाय।